ये देखो क्या लिया मैंने, यहाँ पे भेड़ेकर टी स्टॉल है। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है लक्ष्मी रोड पे हैं। ये शनिवार वाड़ा जहाँ स्थित है, ये पुणे शहर का सेंट्रो है। तो दोस्तों अभी हम लोग आगा खां पैलेस आए हैं, इसके बारे में मैं और बताऊंगा आपको। पहले बता देता हूँ, यहाँ पे टिकट काउंटर है और जो टिकट है इंडियन लोगों के लिए 25 रुपये है और फॉरेनर के लिए 300 है, ठीक है। और काफ़ी सारा स्पेस है यहाँ पे, पार्किंग है और यहाँ से एंट्रेंस है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम इंडिया वापस आ गए हैं और अब से आपको जो है आगे से सब आप इंडिया के व्लॉग्स देखोगे, है ना, पुणे के, महाराष्ट्र के और दूसरे सिटीज़ के। तो अभी हम जो हैं आगा खां पैलेस आए हैं। ये जो पैलेस है ये आगा खां ने बनाया था। ये जो जगह है ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की है, नेशनल इम्पोर्टेंस, क्योंकि यहाँ पर 1940s में गांधी जी को जेल में रखा था, ये जगह पे उनको बंद करके रखा था। तो पहले तो भैया ऐसे ही होता था, जो भी ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़, ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता था, फिर वो गांधी जी हों, फिर हमारे भगत सिंह हो या फिर वीर सावरकर जी हों, सबको डाल देते थे जेल में, है ना। किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी आइडियोलॉजी का हो, आप आवाज़ नहीं उठा सकते थे। तो ये ऐसा था। ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर जो है हिस्टोरिकल प्लेस है ये, और यहाँ पे डिटेल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे मराठी में लिखा है, यहाँ हिंदी में है और यहाँ पे इंग्लिश में है। गांधी नेशनल मेमोरियल भी इसको कहा जाता है और ये 1892 में बिल्ट हुआ था। 9th अगस्त 1942 से लेके 6 मई 1944 तक गांधी जी, उनकी वाइफ कस्तूरबा और उनके जो सेक्रेटरी थे महादेव भाई देसाई, उन सबको यहाँ पे बंद कर दिया था। तो दोस्तों आगा खां पैलेस जो है ये सुबह 9 बजे से खुल जाता है और मैं ही सबसे पहला हूँ जिसने विज़िट किया है। वो जिन्होंने टिकट काटी वो मुझे बता रहे थे। और ये देखिए महात्मा गांधी म्यूज़ियम है, मैं यहाँ बहुत पहले आ चुका हूँ, मैं उन दिन आ चुका हूँ जब मैं पुणे विज़िट किया करता था। तो एक आपको यहाँ से मैं व्यू दिखा देता हूँ, सामने जो है वो गांधी जी हैं। तो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं जो बनावट है ये पूरी, पूरा पुराना दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये सब जो पूरा बना हुआ है। तो दोस्तों ये देख रहे हो आप कितना पुराना बना है पत्थरों का, ये पुराना आर्किटेक्चर है। और ये आप सब देख रहे हो जैसे रेलिंग बनी हुई है। जैसे हमारे भारत की हिस्ट्री है ना, ऐसे ब्राज़ील में भी नहीं मिलेगी आपको, ये एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एग्जीबिशंस लगती हैं और यहाँ सामने कैंटीन भी है और यहाँ पे पीछे जो है टॉयलेट्स भी थे। तो ये काफ़ी बहुत वेल मेंटेन्ड है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, साफ़ सफाई है और है ना, स्टाफ है काफ़ी बड़ा ये सब मेंटेन करने के लिए। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। पुणे अगर आप आते हैं तो मालिक ये मस्ट विज़िट प्लेस है, प्लेस है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की। हमारे गांधी जी को बंद करके रखा था 2 साल, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ है। और मैं जो है बहुत, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है मुझे पहले से, और हमेशा से हिस्ट्री मुझे पसंद रही है। तो जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाली जो जगह होती है ना, वो घूमने में, वहाँ जाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। दोस्तों गांधी जी जो हैं इसी पथ से समाधि की ओर जाते थे, ऐसा लिखा हुआ है, कस्तूरबा गांधी स्मारक है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से अंदर जाएंगे तो समाधि है वहाँ पे। कैसा मतलब ना, दिल ऐसा हो गया कि ऐसा उनको बंद करके रखा था, कैसे स्थिति थी हमारी, और अभी हम आज़ाद हैं, अभी हम आज़ादी से घूम रहे हैं अपने देश में।
20 minutes late. तो दोस्तों अभी हम लोग शनिवार वाड़ा में हैं। शनिवार वाड़ा पेशवाज का किला है और 17वीं सदी में बना था। ये जो किला है ये आपने उसमें भी देखा होगा, जो मूवी आई थी पानीपत उसमें भी दिखाया होगा। यहाँ पे पुणे में पेशवाज का राज था, मराठा एम्पायर था ये हमारा। तो ये चीज़ का मुझे बहुत गर्व होता है कि जो पुणे का जो अपना मराठा एम्पायर था, ये गढ़ था मराठाओं का, और इनकी वजह से जो है हम लोग अभी जिंदा हैं, हम लोग हैं और अपने हमारे धर्म भी बच गए, ऐसा था। ये देखो पेशवांची वंशवेल, मतलब जो फैमिली ट्री जो होती है ना पेशवाज की, वो है यहाँ पे पूरी। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा उसको ठीक करना चाहिए, कैमरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखो ये थोड़ा क्लियर है, फैमिली ट्री ऑफ पेशवाज बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव वन, फिर यहाँ पे थे नाना साहेब। तो दोस्तों अभी हम लोग बिल्कुल सेंटर में हैं फोर्ट के, और ये देख सकते हो पूरा जो है पत्थर से बना हुआ है। 17वीं सदी उस ज़माने में जैसा कंस्ट्रक्शन होता था, कोई भी आप फोर्ट में जाएंगे उस पुराने ज़माने के, ये तो हम हिंदुओं के फोर्ट में आए हैं मराठा फोर्ट, अगर आप मुग़लों के में भी जाएंगे तो आपको सिमिलर दिखेगा, क्योंकि उस ज़माने में वैसे ही बनता था। और अभी जो है ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, बाउंड्री, हम वहाँ ऊपर भी चढ़ सकते हैं और पूरा चक्कर लगा के वहाँ सामने तक आ सकते हैं। तो ये वो जो है फोर्ट में रहता था, जैसे वो सिक्योरिटी वो पहरा देते थे ना सिपाही, तो वो है वहाँ ऊपर, वो सब हम अभी देखेंगे डिटेल में। और बहुत ही बढ़िया जो है नज़ारा, यहाँ पे कुछ ऐसी स्टोरी है कि यहाँ पे कुछ होता हुआ करता था कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो शायद जल गया था, ऐसा कुछ था आग लगने की वजह से। तो दोस्तों 1828 में आग लगी थी और यहाँ का जो था ये फोर्ट, काफ़ी कुछ पार्ट जो है वो जल गया था, ख़त्म हो गया था। और उसके अलावा ये जो अभी कंस्ट्रक्शन जितना बचा है ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बाहर आपको टिकट पे करनी पड़ेगी, 25 रुपये टिकट है, फिर वही फॉरेनर्स के लिए थोड़ी ज़्यादा है, और वो टोकन देते हैं आपको, टोकन स्कैन करके आप एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जगह जगह पे, वो देख रहे हो आप वहाँ पे वो लगे हुए हैं सब, और उन पे जो है डिटेल्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे सेंटर में एक जगह थी, वो कुछ इवेंट्स होते थे उसके लिए थी, और फिर एक जगह थी वो वुमेन के लिए थी, ऐसा लिखा हुआ था, है ना। अभी अब यहाँ पे सामने देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है ये देख सकते हैं, रेसिडेंस ऑफ दादा साहेब, दिस पेशवा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लेमिंग टेरिटरी ऑफ पेशवा अप टू अटॉक इन अफगानिस्तान। तो देखो भाइयों बहनों क्या था भाई, है ना, हवा थी अफगानिस्तान तक कर लिया था हम लोगों ने, यही दोबारा देखना है अखंड भारत, क्या बोलते हो कमेंट करके बताओ अखंड भारत। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक था, और इसमें लिखा है कि शनिवार वाड़ा में जब पेशवा पीरियड था तो 1000 लोग रहते थे, तो इतना बड़ा जो टैंक था वो नेसेसिटी था। यहाँ से जो है यहाँ पे भी वो बने हुए हैं, लेकिन वहाँ अंदर जाना अलाउ नहीं है, पूरा लॉक्ड है, और यहाँ से हम हैं जो ऊपर जा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो नारायण दरवाज़ा, नारायण गेट करके है ये, पीछे से एक शायद फोर्ट का दरवाज़ा है। देखो कितनी ख़तरनाक सीढ़ी है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है इनके बीच में। ये देखो यहाँ से फोर्ट के ऊपर से पूरा ये रोड दिख रहा है,
तो दोस्तों ये शनिवार वाड़ा जो है ये पुणे शहर के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। जैसे अपने ब्राज़ील के हर सिटी में सेंट्रो होता है, ऐसे ही हम जिस इलाके में हैं अभी, ये शनिवार वाड़ा जहाँ स्थित है ये पुणे शहर का सेंट्रो है। और यहाँ पे सब कुछ है, ये ओल्ड एरिया है समझ लो आप। जैसे हिस्टोरिकल सेंटर था ब्राज़ील के हर सिटी में, वैसे ये पुणे का हिस्टोरिकल सेंटर है। और यहाँ से सब कुछ है। अभी जैसे थोड़ी सी दूर पे जाएंगे तो उधर लक्ष्मी रोड है ना, ऐसे करके अप्पा बलवन चौक है। अप्पा बलवन चौक पे बुक्स मिलती हैं सब, है ना, बुक्स के स्टोर्स हैं बहुत सारे। फिर उसके बाद लक्ष्मी रोड पे कपड़ों का है, साड़ीज़ फेमस है वहाँ की। तो अभी कैसा होता है अभी हम सब देखेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम लोग देख रहे हैं शनिवार वाड़ा। ये बैक साइड है शनिवार वाड़ा का। अच्छा दोस्तों, मैंने देखा है कि यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल होते हैं। कई बार देखा, मतलब जब पहले आया था तो गाइड लोग जो थे वो लोगों को पूरी हिस्ट्री सब बता रहे थे। और बस ऐसे ही है यार, गाइड होता है तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि अब फिर पूरा आपको जानकारी भी मिलती है जगह जगह की। तो दोस्तों एक चीज़ आपने देखी, यहाँ आजू बाजू जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब पुरानी है। हिस्टोरिकल सेंटर है ये पुणे का, जैसे ब्राज़ील में हर जगह होता है। ये इसके पीछे जो बिल्डिंग बनी है वो भी पुरानी है, पुराने ज़माने की। और यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो सब पुरानी हैं। ऊपर आ सकते हैं। तो दोस्तों शनिवार वाड़ा से हम इस साइड से एंट्री करते हैं अगर गाड़ी हो तो। यहाँ पे पार्किंग है, फोर व्हीलर की भी पार्किंग है, और उस साइड जो है पार्किंग नहीं है। तो कभी भी आपको एंट्री मारना है तो इस साइड से मारनी पड़ेगी। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कमेंट करके बताओ कैसा लगा शनिवार वाड़ा। पेशवाज का गढ़ था ये और अभी भी है ना। हम सब पेशवा हैं, हम सब मराठा हैं। Few moments later. तो दोस्तों अभी हम लोग जो है लक्ष्मी रोड पे हैं, और लक्ष्मी रोड जो है वो बहुत फेमस है पुणे में। अगर आपको शॉपिंग करनी है होलसेल रेट पे आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, बहुत फेमस रोड है ये। तो दोस्तों हर स्टेट का अपना कुछ ना कुछ खाना रहता है स्पेशल, और हमारे महाराष्ट्र में मिसल बहुत फेमस है। तो दोस्तों अभी जो है हम आपको स्पेशल पुनेरी मिसल दिखाने वाले हैं। यहाँ पे भेड़ेकर टी स्टॉल है और पुनेरी मिसल के लिए फेमस है। तो आज हम लोग पुणे में खाएंगे पुनेरी मिसल। और मिसल में बहुत बार खा चुका हूँ, लेकिन कभी मैंने ना पुनेरी मिसल नहीं ट्राई की, तो आज हम वो ट्राई करेंगे।
सामने से दोस्तों यहाँ से टोकन अपने को लेना पड़ेगा और यहाँ पे पूरा उनका मेन्यू कार्ड है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पुनेरी स्पेशल मिसल है। मिसल जो होती है वो ये एक ऐसी सब्जी जैसी होती है और इसमें सब कुछ होता है, जैसे प्याज है और अपना धनिया है और फरसान होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, नमकीन जैसा, और उसको साथ में या तो आप इसके साथ खाते हैं, पाव होता है उसके साथ खाते हैं, या तो ब्रेड के साथ खाते हो। तो ये महाराष्ट्र का फेमस है। और आपने सुना होगा वड़ा पाव, तो वड़ा पाव कैसा होता है, नाश्ते में खाते हैं। और ये जो मिसल है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, आप इसको नाश्ते में भी खा सकते हो और एज अ मील भी खा सकते हो, लंच में या डिनर में। तो ये अभी हम यहाँ का ये खाएंगे, स्पेशल पुनेरी मिसल। तो दोस्तों मिसल के साथ हमने लिया है कोकम शरबत। कोकम शरबत भी ये जो है महाराष्ट्र का फेमस है और बहुत अच्छा होता है, मुझे कई लोगों ने बताया। कोकम जो है वो एक प्लांट होता है, तो उसका जो फ्रूट होता है उससे शरबत बनाते हैं। बहुत बढ़िया है भाई, 4 साल बाद पी रहा हूँ मैं कोकम शरबत। ये है मिसल, ये देख सकते हो आप, स्पाइसी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों ये जो मिसल थी ये बढ़िया थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। स्पाइसी वेरिएंट्स भी आते हैं मिसल के, वो भी मैं आपको कभी फ्यूचर में दिखाऊंगा। और बढ़िया थी, मुझे अच्छी लगी ये पुनेरी मिसल, मैंने पहली बार ट्राई की थी। तो भेडेकर टी स्टॉल पे आप जा सकते हैं अगर आप पुणे में, और पुनेरी मिसल ट्राई करनी हो। और कई जगह मिलती है पुनेरी मिसल, तो हम दूसरी जगहों को भी एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों ये देखो क्या लिया है मैंने, हेलमेट लिया है मैंने स्टड्स का, ओके। और यहाँ पे डेक्कन जिमखाना में स्टोर है, ये देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से लक्ष्मी ऑटो करके है, स्टड्स के ये डीलर हैं, ओके। तो अगर आप लेना चाहें हेलमेट तो यहाँ से ले सकते हैं, 1890 का मिला है मुझे। ये अभी देख सकते हो आप, ये डेक्कन जिमखाना है, सामने जो है बाल गंधर्व है, एक थिएटर जैसा है, वहाँ पे कुछ कुछ कार्यक्रम होते हैं। मेरे ख्याल से हमारी भाजपा की तो कुछ सभा भी हो चुकी है वहाँ पर, है ना। तो ये डेक्कन जिमखाना बहुत फेमस है, यहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा, जो स्टोर्स हैं बड़े बड़े, और जैसे ये हेलमेट का है, फिर और भी है ना, जो रीबॉक, एडिडास, ये सब बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारी होटल्स भी हैं, और यहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट भी है, उसका भी टूर कभी मैं कराऊँगा आपको। अब तो यहीं पर हैं पुणे में। तो दोस्तों कैसा लगा, पुणे दर्शन का पहला दिन था आज, है ना। तो मालिक कुछ दिन तो गुजारो महाराष्ट्र में। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।